एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज का वीडियो मेरा डीआईवाई सी सीरम पे है, विटामिन सी सीरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। हाँ जी, तो आपको पता है कि विंटर चल रहा है, सर्दियाँ, जिसमें आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, स्पेशली जब विंटर चल रहा होता है। ड्राइनेस स्किन पे और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाना स्किन, एक्ने, पिगमेंटेशन, टैन, की स्किन सन बन हो जाती है क्योंकि आपको धूप में निकलना होता है, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने एक सीरम रेडी किया है DIY, जो कि विटामिन सी सीरम है। एंड ये हम मैंने ऑरेंज के पिल से रेडी किया हुआ है। तो यू नो ऑरेंज के पिल्स में बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है। बट जो मैं ये सीरम मैंने रेडी किया है, एटलीस्ट अगर आप इसको रेडी करते हो घर पे एंड इसको आप 10-7 डे यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेडी करना, प्रिपरेशन, उसके बाद जो एप्लीकेशन होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन के साथ आपको 7 डेज को कंटिन्यू रखना भी बहुत ज़रूरी होता है रिजल्ट के लिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। विटामिन सी सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा स्मॉल साइज़ ऑरेंज, संतरा। इसके छिलके को आप अच्छे से ग्रेट करें। अच्छे से ग्रेट करने के बाद देख सकते हो, ध्यान रहे कि ऑरेंज का जूस अंदर ना जाए, बस आपको इसके पील को ही लेना है। अच्छे से ग्रेट करने के बाद आपको इसमें 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल आपको इसमें ऐड करना है। मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल था तो मैंने ऐड किया है। आपके पास नॉर्मल कोकोनट ऑयल है वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है इसको, ताकि पील और ऑरेंज एक सार हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये फेस सीरम है जो बहुत ही हेल्पफुल है आपके स्किन के लिए, स्पेशली अगर विंटर में आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विंटर के लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल ऐड है। और ये आप स्टार्टिंग में लगाने से आपको थोड़ा सा ऑयली फील होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये ऑयल जो फील होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है। अब यहाँ पे आपको एक स्मॉल साइज़ आप इसमें आलमंड डाले, आलमंड को भी ग्रेट करना आपको अच्छे से, जैसे कि मैं ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के बाद आलमंड को भी आपको इसमें ऐड करना है। बादाम भी आपके स्किन फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपके पास आलमंड का ऑयल है तो आप आलमंड ऑयल ले सकते हो। इसको आपको 24 आवर रखना है, 24 घंटे के बाद। आप देख सकते हो 24 घंटे के बाद ये तीनों इंग्रेडिएंट एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, एकसार हो चुके हैं। तो अभी आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है क्लीन, उसके बाद कॉटन के कपड़े को रख के आपको ये अच्छे से पूरा इसका जो ऑयल है निकाल लेना है आपको, जैसे मैं निकाल रही हूँ। इसको आप इस सीरम को आप 2 वीक तक रख सकते हो फ्रीज में स्टोर करके, एयर टाइट कंटेनर में डाल के। इसको आप एज अ नाइट सीरम लगा सकते हो, डे सीरम भी लगा सकते हो, इफ़ आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मुझे ये ऑयली फील नहीं होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी ऑयली लगता है तो आप इसको एज अ नाइट सीरम लगाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऑल नाइट आपकी स्किन को रिपेयर होने में टाइम मिल जाता है रिपेयर होने में। तो ये और भी हेल्प करेगा आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको नाइट सीरम के जैसे ही यूज़ करें। और फिर आपको इसको एयरटाइट कंटेनर में रखना है, जैसे कि मैं रख रही हूँ। आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा है, इसकी जो स्मेल है प्योर ऑरेंज की स्मेल, फ्रेग्रेंस की आती है। तो आपको बिल्कुल भी लगाने पे भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। तो ये था मेरा वीडियो। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड ऐसे ही वीडियो मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ रहिए। मिलते हैं।